रोडवेज कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्र प्रबंध समिति के वर्ष 2019 का चुनाव गुरुवार को रेलवे बस स्टैंड डिपो पर संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सर्वसम्मति से हनुमान सहाय, क्षेत्रीय संरक्षक दिनेश मणि मिश्र, क्षेत्रीय अध्यक्ष जयशंकर दुबे, कार्याध्यक्ष लियाकत अली, उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे, क्षेत्रीय मंत्री उमेश मिश्रा एवं विवेक त्रिवेदी, क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री दिनेश दुबे को क्षेत्रीय संगठन मंत्री, पवन कुमार मिश्र क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और घनश्याम जायसवाल, उमा शंकर, पति त्रिपाठी, रामचंद्र दुबे, चंदन पांडे, राजनाथ प्रसाद, महेंद्र प्रताप सिंह सभी को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र और चुनाव अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा। अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा, रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र का हो रहा है वर्ष 2019 प्रांतीय कार्यक्रम व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयशंकर दुबे, क्षेत्रीय अली, क्षेत्रीय मंत्री दिनेश जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री दिनेश दुबे जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार मिश्रा जी, कार्यकारी सदस्य उमा शंकर त्रिपाठी जी, कार्यकारी सदस्य राम नारायण सिंह, कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं। ये संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होता है, वार्षिक चुनाव होता है, यह चुनाव हर साल कराया जाता है। आज जो क्षेत्रीय चुनाव गोरखपुर क्षेत्र का हुआ है उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि चुने गए हैं। यह 14वीं बार यह क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्रीय मंत्री राजेश पांडे जी चुने गए हैं, यह तीसरी बार क्षेत्रीय मंत्री चुने गए हैं। यह संगठन के रोडवेज के कर्मचारियों से संबंधित संगठन है। संगठन में जितने कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष का मंत्री का चुनाव होता है, जो प्रबंध समिति से बैठ करके समस्याओं का निराकरण कराते हैं। अब हम सभी लोग यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन रोडवेज के प्रमुख कर्मचारी संगठन के अंग हैं। आज हमारे कर्मचारी समूह ने हमें लगातार 14वीं बार निर्विरोध रूप से अपना क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के लिए चुना है। हम सभी लोग मिलकर के कर्मचारी समूह की जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो क्षेत्र स्तर पे हों, शाखा स्तर पे हों अथवा प्रदेश स्तर पे हों, उन सारी समस्याओं के समुचित समाधान हेतु, समुचित निराकरण हेतु यथायोग्य कदम उठाते रहते हैं, प्रबलतम तरीके से उस कदम को उठा करके उनके समस्याओं का निराकरण कराते रहते हैं।